नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जामा मस्जिद में सर्वे के लिए आज ही क्यों भेजी टीम, अखिलेश का सवाल, बोले बीजेपी उपचुनाव पे धांधली छिपा रही। संभल जिले में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव में हुए धांधली को छुपाने के लिए सर्वे कराने के लिए आज की तारीख चुनी। कहा कि जब एक बार सर्वे हो गया था तो दोबारा मस्जिद का सर्वे बिना तैयारी के क्यों कराया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सर्वे की टीम को मस्जिद में भेजा ताकि माहौल खराब हो जाए और किसी का भी ध्यान चुनाव में इनकी बेईमानी पर ना जाए, कोई चर्चा ना कर सके। संभल की घटना गंभीर है, अखिलेश। अखिलेश ने कहा कि संभल की घटना गंभीर है, कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हुए हैं और एक नौजवान नईम की जान चली गई है। अखिलेश ने कहा दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। जब पहले ही सर्वे हो चुका था तो दोबारा से क्यों कराया गया, वो भी सुबह सुबह। भाजपा के तंत्र ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं, लेकिन भाजपा ने जो तंत्र बनाया है उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं कौन से लोग वोट डालने पहुंचे, क्योंकि सपा के मतदाताओं को तो बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किसने वोट डाले। उपचुनाव में सपा के हिस्से सिर्फ दो ही सीट आई। बता दें कि यूपी उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं सपा के हिस्से सिर्फ करहल और सीसमो की सीट आई। भाजपा की दमदार जीत पर सपा ने धांधली के आरोप लगाए हैं। इस समय संभल में हालात जामा मस्जिद के सर्वे पर रविवार को बवाल हुआ, जिसके बाद मंडल के सभी जिलों की पुलिस फोर्स ने संभल में डेरा डाल दिया है। कई सीओ व अधिकारी थानेदार मस्जिद के पास तैनात हैं और निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि 19 नवंबर को सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, उस समय मंडल के सभी जिलों के पुलिस फोर्स व अधिकारी आए थे, तब सब कुछ शांति के साथ निपट गया था। लेकिन अब रविवार की सुबह जब टीम पहुंची तो सिर्फ संभल पुलिस ही मौजूद थी, फिर बवाल शुरू और माहौल बिगड़ता चला गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।